7, उसके राइट हैंड साइड इधर भी और रूम्स हैं और इस साइड बाथरूम है, ठीक है। तो हम इस रूम के अंदर चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने हॉस्टल का रूम टूर कराने वाली हूँ। सो पहले अबाउट माई सेल्फ, माई नेम इज समीक्षा दक्ष, MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं। तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछो उससे पहले मैं बता देती हूँ कि एक रूम में दो लोग रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अपने वाला पोर्शन दिखाऊंगी, मेरे वाला। ओके, तो देखो ये वाला जो ये गेट है, एक्चुअली इस गेट पे मैंने कर्टेन डाला हुआ है, ये कर्टेन डाला हुआ है और ये वही गेट है जिससे अभी मैं एंट्री, ठीक। और उसके बाद मेरे रूम में वैसे दो लाइट्स लगी हुई है, ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइट मतलब लाइन सोर्स ऑफ लाइट, और ये एक इधर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट मीन्स बल्ब लगा हुआ है, तो LED बल्ब जो है ना, तो इन्हीं की वजह से थोड़ा लाइट चेहरे पर पड़ रही है, थोड़ी गोरी लग रही है। तो बाकी और चीज़ें देखती हूँ। दिस इज माई बेड एंड टेबल एंड चेयर। तो जब भी आपको हॉस्टल का रूम मिलता है तो ये जो बेड है, मतलब लकड़ी का बेड है ये, और उसके ऊपर मैट्रेस पड़ी हुई है, तो वो मैट्रेस आपको और बेड और ये चेयर और टेबल ये आपको मिलते हैं यहाँ से। मतलब अगर आपको GMC बदायूं मिल रहा हो तो आपको ये चारों चीज़ें मिलेंगी। बाकी अपनी बेडशीट, पिलो और ये सब अपना सामान घर से लेके आना, ठीक है। और फिर उसके बाद आते हैं ये टेबल, मैं कैसे अरेंज करके रखती हूँ। मेरी ये दो बॉटल्स हैं, है ना, और इसका टाइम थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, मतलब ये ख़राब हो गई है वॉच। ये मेरी पावर बैंक, टैबलेट, देन उसके बाद ये लैपटॉप। लैपटॉप और टैबलेट मैं इसको ऐसे ही रखे रहने देती हूँ, क्योंकि इन दोनों की हेल्प से मैं डेली क्लासेस लेती हूँ, इसलिए मुझे ऐसे ही रखना कंपलसरी रहता है ना, वॉच ज़रूरत होती है। बाकी ये कप को मैंने पेन स्टैंड बना लिया है और इसको भी पेन स्टैंड बना लिया है, ये पेन स्टैंड है। देन उसके बाद ये मेरी दो किट्स हैं। ये वाली जो किट है, एक्चुअली ये थोड़ी ब्यूटीफुल सी लग रही है, ये मेरी बुआ ने मुझे गिफ्ट की थी जब मेरा सिलेक्शन हो गया था उस टाइम पे, यानी कि 2 साल पहले की है ये, तो बहुत टाइम से संभाल के रखी है मैंने। तो इसमें मैं सिर्फ हाईलाइटर और अच्छे वाले पेन रखती हूँ, जिनका यूज़ मैं जब एक्चुअली मैं अपनी स्टडीज़ के लिए प्रेप लैडर का यूज़ करती हूँ, है ना, तो प्रेप लैडर पढ़ते थे उसके नोट्स मैं अच्छे वाले पेन से पढ़ती हूँ, तो अच्छी वाली वाइब्स आती हैं। तो इस पर तो ऐसे उल्टे सीधे मतलब कैसे भी पेन है सब भर देती हूँ। बाकी ये इस सेक्शन में मैंने बुक्स को ना अपनी दो सेक्शन में रखा है, कि इस साइड सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो नोट्स होते हैं वो और रजिस्टर वगैरह। बाकी यहाँ पे ये मेरी बुक्स हैं, ये फावा की बुक है, ये हैरिसन से उठाना है मेडिसिन पढ़ने के लिए, बट अभी तक पढ़ नहीं पाई है सच बता रही हूँ मैं। और ये पैथो की मेरी बुक रखी हुई है, ठीक है। माइक्रो की भी बुक थी, वो पता नहीं कहाँ गई, शायद अंदर रखी होगी कवर्ड में, है ना। तो बुक्स मैं टेबल पे इसलिए रख लेती हूँ ताकि थोड़ा सा मतलब यहीं से उठाओ तुरंत पढ़ने। बात क्या है कि ये मेरे भगवान जी हैं, है ना, ये सेटअप भी मैंने पूरा खुद बनाया है, ये मैं घर से लेके आई थी, और ये इसमें ऐसे दीवार में लगा लगा के, ये कृष्ण जी की वो मूर्ति गिफ्टेड है जो मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मेरे फ्रेंड ने दी थी मुझे। बाद ये मेरा बैग और चेयर, चेयर तो हमें यहाँ से मिलती ही है, तो ये बैग भी गिफ्टेड है, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तब मिला था मुझे। और उसके बाद यहाँ पर ये दो कवर्ड्स होती हैं, जो दो कवर्ड्स हैं वो हमें मतलब दो लोग रहते हैं ना तो दो लोगों को मिलती हैं। तो इसके अंदर 3 सेक्शंस होते हैं, अब वो मैं खोल के इसलिए नहीं दिखा रही, बहुत गंदे तरीके से सब सामान भरा हुआ है और अभी मेरे पास टाइम नहीं था कि सब मैं अरेंज करूं। बाकी ये मैंने बहुत अच्छे से कोड लिख लगा दी है, ये नेवर 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 गिव अप। मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग जो मेरे रूम की है वो मुझे ये लगती है, और सब लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना। आप पता है ये इस पर मैंने वो लगा रखा है, तो अब ये मैं लाइटनिंग जो लगा रखी है ना, पूरे रूम की लाइट्स बंद कर दूँगी तो ये बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों देखो ये सुंदर सा लुक आ जाता है, सोने से पहले ऐसे कर देते हैं तो अच्छा लगता है। और वापस से आते हैं, जैसे ये कर्टेंस लगे हुए हैं, है ना, ये कर्टेंस हैं, है ना, एक्चुअली यहाँ पे भी एक डोर है, ये वाला डोर है, तो ये वाली कर्टेन हटाती हूँ मैं। इस वाले डोर पे ये डोर है, इधर से हम बालकनी के लिए जाते हैं, तो इस पे मैंने तो नॉर्मल अपना जो मेरी क्लासेस का शेड्यूल होता है कितने बजे से कितने बजे तक, अगर आप देखें तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक क्लासेस होती है, हर दिन के हिसाब से अलग अलग शेड्यूल होता है। तो और ये मेरा छोटा सा मिरर है ना, अभी मेरे पास छोटा ही मिरर है, तो इसी से एडजस्ट करना पड़ता है।
बड़े मिरर भी आप लगा सकते हो, पर मैंने नहीं लगाया अभी। फिर उसके बाद ये वाला हटाते हैं, इधर वाले कर्टेन, एक्चुअली इधर भी ये विंडो है, ये वाली विंडो है। मैंने कूलर जो है वो अपने बाहर रखे हुआ है, तो इस तरीके का रहता है। इधर डोर हो गई, इधर ये वाली विंडो, और ऐसे ये ऊपर शीशे लगे हुए हैं। ठीक है, तो फिर आप अगर देखो तो थोड़ा सा जैसे बाहर बालकनी है, बाहर बालकनी, अभी ना अंधेरा हो रहा है, मैंने जब ये बनाया है तो अंधेरा हो रहा है। आई होप आपको मेरा रूम ठीक ठाक सा अच्छा सा लगा हो, बता देना कैसा लगा है मेरा रूम। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से आज सेट किया हुआ है, वैसे नॉर्मली भी ऐसे ही सेट रहता है। ओके, बाय, थैंक यू, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।